नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। मैं जिशान आपके साथ और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक ब्रेकिंग खबर से जो कि रिम्स से निकलकर आ रही है। रिम्स में भर्ती कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जी हां, गुरुवार शाम से भूख हड़ताल पर ये कैदी है। कैदियों ने रिम्स द्वारा दिए जाने वाले खाने पर आपत्ति जताई है, पीने के पानी पर भी सवाल उठाया है। रिम्स प्रबंधन को शिकायत करने के बाद भी नहीं हुआ कोई असर। जानकारी आपको दे दे इसी में कि जो ये शिकायत करने वाले हैं कैदी, उनका साफ तौर पे कहना है कि ना पानी सही से उन्हें मिलता है, स्वच्छ पानी, ना ही खाना उन्हें बेहतर तरीके से मिल रहा है। कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई भी एक्शन रिम्स प्रबंधन की तरफ से नहीं लिया गया। विभिन्न कारक के करीब 17 कैदी रिम्स में भर्ती है। पीने के पानी पर सवाल उठाते हैं ये जो कैदी है और खाने पर भी सवाल उठाते हैं। इनका कहना ना ही स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा पीने के लिए और नहीं सही खाना मिलता है। कई बार शिकायत की जाती है रिम्स प्रबंधक को लेकिन कोई भी पहल रिम्स प्रबंधक की तरफ से नहीं की जा रही है। कैदियों ने रिम्स द्वारा दिए जा रहे पानी और खाना पर सवाल उठाया है। ये भर्ती रिम्स में है कैदी और गुरुवार शाम से ही भूख हड़ताल पर चले गए ये कैदी। इन कैदियों का कहना है कि रिम्स प्रबंधक को कई बार हमने शिकायतें की लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ और जिस वजह से ये कैदी भूख हड़ताल पर चले गए हैं। गुरुवार शाम से ही ये कैदी भूख हड़ताल पर चले गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी सत्यव्रत का, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, रिम्स में भर्ती ये कैदी जो कि भूख हड़ताल पर चले गए, साफ तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं रिम्स प्रबंधक पर कि ना पानी इन्हें स्वच्छ मिल पा रहा और न ही इन्हें बेहतर खाना दिया जा रहा है। कई बार शिकायतें की गई लेकिन कोई भी एक्शन रिम्स प्रबंधक की तरफ से नहीं, कोई भी कदम उठाए गए, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि अपने मरीजों के प्रति लापरवाह और उदासीन रवैया रखने वाले रिम्स प्रबंधन की यह कोई नई तस्वीर नहीं है। समय समय पर आपको रिम्स के कुव्यवस्था की यह तस्वीर देखने को मिलेगी। ताजा मामला है रिम्स के कैदियों ने, यानी कि विभिन्न जेल से जो कैदी रिम्स लाए जाते हैं, जो बीमार होते हैं, जेल की सजा में होते हैं, उन्हें रिम्स लाया जाता है इलाज के लिए। वैसे कैदियों ने अनशन कर दिया है। जो सूचना मिली है कि कल शाम से वैसे जो करीब 17 कैदी हैं जो कि भूख हड़ताल पर है, उनकी मांग है कि रिम्स प्रबंधन के द्वारा, रिम्स व्यवस्थाओं के द्वारा जो भोजन उन्हें दिया जाता है वो बेहतर नहीं है, खाने के क्वालिटी पर सवाल उठाया है, यहां तक कि पीने के लिए जो पानी उन कैदियों को दिया जाता है उस पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो टंकी की पानी है यानी कि आरओ वाटर नहीं दिया जाता है। रिम्स में सैकड़ों की संख्या में जो है वो आरओ मशीन लगाए गए हैं। कैदी वार्ड की अगर बात करें तो कैदी वार्ड में भी आरओ मशीन लगाए गए हैं लेकिन रिम्स प्रबंधन की उदासीनता और अनदेखी के कारण आरओ मशीन जो है वो खराब पड़ा है और वैसे में जो साफ पानी, जो पेयजल, स्वच्छ पानी जो मिलना चाहिए कैदियों को वो नहीं मिल पा रहा और यही कारण है कि करीब कल शाम से जो कैदी हैं रिम्स के कैदी वार्ड में जो भर्ती हैं उन्होंने आंदोलन के रूप में जो है वो भूख हड़ताल कर दिया है। कोई भी कैदी जो है वो खाना खाने को तैयार नहीं है। लगातार रिम्स प्रबंधन के द्वारा जो है, जो कैदी वार्ड के जो व्यवस्थापक हैं उनके द्वारा लगातार मान मनौवल का जो दौर है वो चल रहा है। कैदियों ने हमें जानकारी दी है कि इस मामले की जानकारी रिम्स प्रबंधन को दी गई है कि जो कैदियों को खाना दिया जाता है उसमें जो है वो बेहतर दिया जाए। बावजूद उसके अब तक रिम्स प्रबंधन जो है वो शायद सोया हुआ है। कैदियों की इन मांग पर अब तक कोई विचार नहीं किया गया है। मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो रिम्स में जो कैदी हैं यानी कि राज्य के विभिन्न जेलों में जो कैदी रहते हैं, जो जेल की सजा में रहते हैं या फिर वैसे विचाराधीन आरोपी जिन्हें जेल भेजा जाता है, अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो उन्हें रिम्स भेजा जाता है बेहतर इलाज के लिए, ताकि रिम्स में उनका इलाज हो सके। वैसे में उन कैदियों के साथ अपना कोई परिजन नहीं होता है, सुरक्षा के कर्मी उनके साथ मौजूद रहते हैं और बाहर की चीजों को वो नहीं खा सकते हैं क्योंकि कई तरह के प्रोटोकॉल है जेल मैनुअल के तहत। कोई भी कैदी अगर बाहर की किसी सामग्री को खाता है, किसी तरह की अगर कोई समस्या होती है तो वो एक चिंता का विषय हो जाएगा। वैसे में उन कैदियों
रोगियों का जो भोजन है वो सिर्फ और सिर्फ रिम्स प्रबंधन के द्वारा जो दी जाने वाली व्यवस्था है उसी पर निर्भर होता है। और वैसे में यह कह दी जो कि बाहर जाकर कुछ खा नहीं सकते, अपने परिजनों से कुछ मंगा नहीं सकते और रिम्स के द्वारा जो भोजन और पानी उन्हें दिया जा रहा है वो बेहतर नहीं है, और यही कारण है कि कल करीब शाम से जो यह कैदी हैं वो भूख हड़ताल पर हैं। जी नहीं, सवाल तो ये भी खड़ा होता है सत्यव्रत कि एक तो जेल मैनुअल के हिसाब से ये कैदी बाहर कुछ भी खरीदारी नहीं कर सकते, ना ही ये मिनरल वाटर खरीद सकते बाहर से पीने के लिए। इन कैदियों को इलाज के लिए, चूंकि ये कैदी कई ऐसे हैं जो सजा याफ्ता है, बेहतर इलाज इनका हो सके, जो बीमार कैदी होते इसलिए इनको रिम्स में भेजा जाता है इलाज के लिए, लेकिन ये बीमार जो है इलाज के लिए वहां पहुंचे, ये इनका स्वास्थ्य ठीक कैसे होगा? उल्टा तो और ये बीमार हो जाएंगे जिस तरह से ये आरोप लगा रहे। नहीं देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से ये कैदी आरोप लगा रहे हैं वैसे में बीमार कैदी रिम्स आए हैं ताकि उनका इलाज हो सके, लेकिन रिम्स के तरफ से जो कुछ व्यवस्थाएं दी जा रही हैं उनसे यह नहीं लगता है कि वो शायद ठीक हो सकेंगे। उल्टा रिम्स की व्यवस्थाओं से और रिम्स के द्वारा जो दिए जा रहे भोजन और पानी है उससे और ज्यादा बीमार हो सकते हैं। तो रिम्स प्रबंधन को चाहिए कि ऐसी कैदियों की जो मांग है उस पर विचार किया जाए और जल्द से जल्द जो अनशन और भूख हड़ताल पर यह जो कैदी बैठे हैं जल्द से जल्द उनका अनशन खत्म किया जाए और उन्हें शुद्ध और पौष्टिक भोजन दिया जाए, किसी क्योंकि किसी भी व्यक्ति का यह मौलिक अधिकार होता है, अगर वो जेल की सजा में भी है, जेल के कैद में भी है, तो उसे भोजन और पानी जो है वो उसका मौलिक अधिकार है। वैसे में किसी भी कैदी का जो मौलिक अधिकार है वो उससे नहीं छीना जाता है, उसे जा सकता है, और रिम्स प्रबंधन के द्वारा जो भोजन और पानी उन कैदियों को परोसा जा रहा है उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं यह जो कैदी है भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और रिम्स प्रबंधक को जो ये सवाल उठ रहा है उन्हें भी ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर ये कैदी क्यों अनशन पर और भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सत्यव्रत आपका। 17 की संख्या में ये कैदी है जो रिम्स में इलाजरत है, लेकिन अब ये भूख हड़ताल पर बैठ गए वो इसलिए क्योंकि ना इन्हें स्वच्छ पानी मिल रहा है पीने के लिए और ना ही बेहतर खाना दिया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की तरफ साहब।